हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट की गई है, जिसमें अपनी 18 क्लासें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों इसमें 19 नंबर की क्लास है। दोस्तों, 18 नंबर की क्लास में अपन ने राजस्थान में मीठे पानी की जो झीलें थी उनके बारे में पढ़ा था। अपन ने 5 झीलें हैं वो पढ़ ली थी, ठीक है। आज दोस्तों अपन यानी कि 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे वो जिले, यानी कि आज जिलों का टॉपिक है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 5 पढ़ ली थी अपन ने, 6 है नक्की झील, ठीक है। नक्की झील कहाँ पर है? तो दोस्तों, माउंट आबू में नक्की झील स्थित है। जिला कौन सा है? तो जिला अगर अपन बात करें तो सिरोही जिला है। कौन सा जिला है? सिरोही जिला है। और माउंट आबू है वो सिरोही जिले में आता है। अब देखो आगे, यह एक क्रेटर या कालडेरा झील है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब ज्वालामुखी आता है तो ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है, फिर ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब ज्वालामुखी है वो शांत हो जाता है, ठीक है। शांत हो जाता है तो वहाँ पर क्या है कि उस जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, जैसे ये ज्वालामुखी है, अब इसमें उद्गार हो रहा है, अब ये अगर शांत हो जाएगा तो दोस्तों ये पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे ये पूरा खाली हो गया, अब इसमें जो पानी भर जाता है उसको कहते हैं क्रेटर, ठीक है। तो ये पहाड़ों के बीच में से जैसे ऐसे मानो कि जैसे माउंट आबू के अंदर वहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता था, वहाँ पे शांत हुआ तो वहाँ पे गड्ढा बन गया, और गड्ढा बन गया तो उसके अंदर पानी बन गया, भर गया, तो उसको बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। क्रेटर या कालडेरा उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। और एक कहावत दोस्तों ये भी है, जैसे लोक कहावतों के अनुसार इसे देवताओं ने नाखूनों के द्वारा बनाया है, यानी कि नक्की झील का निर्माण है वो देवताओं ने नाखूनों से निर्माण किया था उसका, ठीक है। ये भी कहा जाता है तो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को तो सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। इस झील के किनारे विशेष प्रकार की चट्टाने हैं। इस झील के किनारे है वो आपको विशेष प्रकार की आपको यहाँ पे चट्टाने देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मैं काफ़ी साल, लगभग 5 साल माउंट आबू में रहा हूँ। उस समय SDM थे जितेंद्र कुमार सोनी, अगर किसी को नहीं पता हो तो SDM है जो जितेंद्र कुमार सोनी है, बहुत अच्छे इंसान है। तो दोस्तों, वहाँ पे क्या है कि जैसे नक्की झील बनी हुई है, नक्की झील के बाद में दोस्तों जब जस्ट थोड़ा सा पास में ही एक छोटी सी पहाड़ी है, ठीक है। एक छोटी सी मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी पहाड़ी है, तो वहाँ पे मतलब सीढ़ियों से चल के जाना पड़ता है। तो आप वहाँ जाओगे तो वहाँ से जो सनसेट पॉइंट है, यानी कि जब सूरज है वो बिल्कुल साफ का साफ डूबता हुआ दिखाई देता है, कि यानी कि सूरज छिप कैसे रहा है, अपने आँख पे तो नहीं दिखता, हाँ पेड़ों के बीच में आ गया या पहाड़ों के पीछे आ गया, वहाँ से दोस्तों आपको बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा कि सूरज है वो कैसे छिप रहा है, ठीक है। तो वो सनसेट पॉइंट भी है वो, और उसी सनसेट पॉइंट के पास में ये जो 3 चट्टाने हैं ये वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर 3 चट्टाने आपको देखने को मिल जाएगी, एक है टोड रॉक, एक है नंदी रॉक और एक है नन रॉक। टोड रॉक मतलब मेंढक जैसी आकृति है उस चट्टान की, ठीक है। और नंदी रॉक बैल जैसी आकृति है उसकी, और नन रॉक यानी कि घूंघट ओढ़े दुल्हन जैसी उन चट्टानों की आकृति है। ये 3 चट्टान हैं ऐसे मतलब खड़ी है, ठीक है। बाकी और कोई इतना मतलब है नहीं इनका, सिर्फ वो चट्टानों के नाम रखे गए हैं, बाकी और किसी काम नहीं आती, वहाँ खड़ी है बस। बाकी लोग वहाँ रियल में अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे सनसेट पॉइंट देखने जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, ये आप नक्की झील समझ में आ गया। अब और देखो इसमें, राजस्थान के हिल स्टेशन पर स्थित एकमात्र झील जिसका सनसेट पॉइंट प्रसिद्ध है। देखो मैंने आपको बताया था कि इसका जो सनसेट पॉइंट है वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। सर्वाधिक ऊँची समुन्द्र तल से 1200 मीटर ऊँची है, ठीक है। समुद्र तल से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है नक्की झील, 35 मीटर गहरी है,
ठीक है। आपने ये सुना होगा कि नक्की झील है वो सबसे गहरी झील है, लेकिन 35 मीटर का नाम नहीं सुना होगा आपने, तो दोस्तों याद रखना आप, ठीक है। सर्वाधिक ऊंची समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंची है नक्की झील, ठीक है। और राजस्थान की सबसे गहरी झील है 35 मीटर, कौन सी? नक्की झील। गरासिया जनजाति द्वारा इस झील में अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, यानी कि जब वो वहाँ पे क्या है कि जैसे माउंट आबू आबरोड जो आसपास का जो पूरा लगभग सिरोही वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे आदिवासियों की संख्या है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कोई किसी की गरासिया या वैसे वहाँ की भाषा में देखा जाए तो मैं आपको बता दूँ, बोटा कहते हैं उनको, बोटा बोटा या गरासिया ये बोलते हैं दोस्तों उनको। और उनका जो इनका गरासियों का जो सबसे प्रसिद्ध मेला है वो सियावा में भरता है, जो आबरोड से कुछ ही किलोमीटर दूर है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर होगा आबरोड से। तो वहाँ पर दोस्तों ये सियावा का जो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला वहीं भरता है, ठीक है। जब आदिवासियों या जो गरासिया जनजाति है, तो इस गरासिया जनजातियों में जब कोई मर जाता है तो उनकी अस्थियां अपन क्या करते हैं, जैसे राजस्थान में अधिकतर हैं वो अपने गंगा जी बहा के आते हैं, और ये क्या करते हैं उस नक्की झील में बहा देते हैं, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र जमने वाली झील कौन सी है? नक्की झील। अब दोस्तों इतनी तो नहीं जमती, खैर खैर ये है कि ऊपर ऊपर है ना, थोड़ी सी परत परत है वो जम जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे ये पूरा पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी है, एक हल्की सी छोटी सी परत आपको यहाँ ऊपर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सर्दियों के मौसम में देखना आप, ठीक है, हल्की सी एक परत देखने को मिल जाएगी, तो वो थोड़ी सी मतलब जम जाती है, ऊपर ऊपर से जमती है, बाकी जैसे जैसे जमती नहीं है, बाकी पानी बहुत ठंडा होता है उसका, ठीक है। तो राजस्थान की एकमात्र जमने वाली झील कौन सी है? नक्की झील। राजस्थान का निम्नतम स्थल कौन सा है? आप सभी को पता है कि सांभर झील है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो वो गुरु शिखर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नक्की झील अपनी कंप्लीट हो गई। दूसरी देखो, अब यहाँ पे 7 नंबर की झील आती है, पुष्कर झील। अब कहाँ है ये पुष्कर झील? तो दोस्तों पुष्कर झील है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है। तो देखो अजमेर को किस किस नाम से जानते हैं वो देखना आप। कोंकण तीर्थ, जो महाराष्ट्र में तीर्थ स्थान है ये, तो कोंकण तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, किसको? अजमेर को। अजमेर में भी किसको? पुष्कर झील में, ठीक है। देखो पांचवा तीर्थ है, पांचवा तीर्थ भी दोस्तों पुष्कर तीर्थ है। अर्धचंद्राकार झील, 52 धारा झील, ये भी दोस्तों किसको कहते हैं? पुष्कर झील को। तीर्थों का मामा, ये भी पुष्कर झील को। तीर्थराज, ये भी दोस्तों पुष्कर झील को। क्रेटर या कालडेरा झील, ये भी पुष्कर झील को। और गांधी घाट, ये भी दोस्तों पुष्कर झील को, ठीक है। गांधी घाट पुष्कर झील के पास में ही है, ठीक है। तो देख लो अब पुष्कर झील के अन्य नाम क्या क्या है। कोंकण तीर्थ, पांचवा तीर्थ, अर्धचंद्राकार झील, तीर्थों का मामा, तीर्थराज, क्रेटर या कालडेरा झील, गांधी घाट, ठीक है, इस नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो है दोस्तों कौन सी? पुष्कर झील। अब मैंने कृत्रिम की बात की, तो कृत्रिम में कौन सी थी? तो जैसमंद, ठीक है। देखो राजस्थान की सबसे पवित्र एवं सबसे प्रदूषित झील कौन सी है? देखो वैसे देखा जाए तो सबसे पवित्र है और वैसे सबसे प्रदूषित है, ठीक है। कौन सी झील है? तो वो दोस्तों पुष्कर झील है, ठीक है। पुष्कर झील की सफाई में कनाडा द्वारा आर्थिक सहयोग दिया गया, ठीक है। तो कनाडा वो है आर्थिक सहयोग दे रहा है, ठीक है, आर्थिक सहयोग दे रहा है इस झील की साफ सफाई के लिए। कार्तिक पूर्णिमा को इस दिन झील के किनारे पुष्कर मेले का आयोजन होता है, जिसे राजस्थान का रंगीला मेला भी कहा जाता है। तो राजस्थान का रंगीला मेला किसे कहा जाता है? तो वो पुष्कर मेले को कहा जाता है, और ये पुष्कर झील के किनारे भरता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और कार्तिक पूर्णिमा को इसका मेला भरता है, ठीक है। पांचवा देखो, इसमें दीपदान,
परंपरा। तो दीपदान परंपरा में देखो, राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील एवं कोलायत झील में दीपक जलाने की परंपरा को कहा जाता है। ठीक है, दीपदान परंपरा क्या है? तो राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील एवं कोलायत झील में दीपक जलाने की परंपरा को दीपदान परंपरा कहा जाता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को दो मेले एक साथ बढ़ते हैं, एक है दोस्तों पुष्कर वाला और एक है कोलायत झील में बीकानेर वाला। ठीक है, ये दो मेले कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ते हैं। और माघ पूर्णिमा को दोस्तों आप सभी को पता है डूंगरपुर बेणेश्वर धाम में मेला बढ़ता है। ठीक है, देखो महात्मा गांधी व बाल ठाकरे की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी और बाल ठाकरे हैं जो शिवसेना प्रमुख थे, ठीक है, इनकी अस्थियों का विसर्जन है वो इसी झील में किया गया था। अब देखो आठ नंबर का अपना इसमें आता है फॉय सागर। ठीक है, फॉय सागर में देखो ये अजमेर में है, इसका निर्माता कौन था? तो फॉय, यानी कि अपने नाम से इसने फॉय सागर बनवा दिया था। ठीक है, निर्माण काल देखो 1891 से 1892 तक इनका निर्माण काल है। उद्देश्य अकाल राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण किया गया था। नौवा नंबर का देखो दोस्तों इसमें आना सागर झील, तो आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। निर्माता कौन थे इसके? तो अर्णोराज इसके निर्माता थे। निर्माण काल तो दोस्तों 1136 से 1137 ईस्वी तक इनका निर्माण काल माना जाता है। नदी कौन सी है? तो नदी बांडी नदी है। ठीक है, यानी कि दोस्तों बांडी नदी के किनारे ये आना सागर झील है। ठीक है, अब देखो इस झील के किनारे जहांगीर के द्वारा दौलत बाग का निर्माण कराया गया। ठीक है, वर्तमान में उसका नाम सुभाष उद्यान है। यानी कि आना सागर झील का निर्माण है वो अर्णोराज ने करवाया था और इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया था और जिसका नाम वर्तमान में सुभाष उद्यान है। ठीक है, इस झील के एक किनारे पर सांझा द्वारा 5 12 दरी यानी कि 12 खंभे वाले का निर्माण करवाया था। ठीक है, 12 दरियों में, ठीक है, 5 12 दरी थी उनका निर्माण कराया था, किसने? सांझा ने। ठीक है, याद रखना। 10 नंबर का है इसमें कायलाना झील, तो कायलाना झील कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में। ठीक है, इसका निर्माण है वो किसने कराया था? तो सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था, कायलाना झील। ठीक है, और अब देखोगे आप जब चौपासनी की तरफ जाओगे आप, ठीक है, जैसे आप जोधपुर रेलवे स्टेशन से अगर आप चौपासनी की तरफ जाते हो, चौपासनी स्कूल की तरफ, तो दोस्तों पास में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर रडार लगा हुआ है और उस पहाड़ी के पीछे स्थित है ये कायलाना झील। ठीक है, याद रखना इसे। कायलाना राजस्थान की एकमात्र झील जिसे इंदिरा गांधी नहर की राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जोड़ा गया। ठीक है, कायलाना राजस्थान की एकमात्र झील है जिसे इंदिरा गांधी नहर की राजीव गांधी लिफ्ट नहर से जोड़ा गया। 11 नंबर का देखो दोस्तों इसमें कोलायत झील, तो कोलायत झील कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। निर्माणकर्ता कौन थे इसके? तो कपिल मुनि इसके निर्माणकर्ता थे कोलायत झील के। ठीक है, उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कोलायत झील है। ठीक है, उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है कोलायत झील। इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है वो स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है। ठीक है, चारण जाति के लोग इस झील के दर्शन के लिए नहीं जाते, क्यों? क्योंकि दोस्तों करणी माता के बहन का बेटा इसमें डूब गया था। ठीक है, इसलिए दोस्तों चारण जाति के लोग हैं वो इस झील के दर्शन करने नहीं जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी दीपदान परंपरा होती है। ठीक है, जैसे पुष्कर झील में होती है वैसी सिलीसेट झील अलवर में। ठीक है, तो इसमें देखो इस झील के किनारे विनय विलास पैलेस स्थित है। ठीक है, विनय विलास पैलेस इसमें इस झील के किनारे स्थित है। महाराणा विनय सिंह द्वारा बनाया गया
जो वर्तमान में आरटीडीसी होटल के रूप में संचालित है, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों उस झील के किनारे पहले विनय विलास पैलेस था और अब आरटीडीसी होटल के रूप में संचालित है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। देखो इस झील में मत्स्य पालन एवं स्थानीय पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है। यह झील है ये मत्स्य पालन एवं स्थानीय पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है और अन्य प्रमुख मीठे पानी की झील है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखो गजनेर झील कहाँ पर है, बीकानेर में। इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं इस गजनेर झील को, ठीक है, याद रखना। गजनेर झील को जो बीकानेर में है इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। बालसमंद झील कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। नंदसमंद झील कहाँ पर है, राजसमंद में। गैप सागर या एडवर्ड सागर ये डूंगरपुर में है। कनक सागर बूंदी में है। चांद बावड़ी दौसा में है। मानसरोवर झील सवाई माधोपुर में है। और देखो दोस्तों इसमें अमर सागर, गुडी सागर और बूझ झील, ठीक है, बूझ झील, गड्डी सागर और अमर सागर, ये कहाँ पर है, तो ये तीनों के तीनों जैसलमेर में है, ठीक है। तालाब शाही, राम सागर ये कहाँ पर है, तो ये धौलपुर में है। मोती झील भरतपुर में। मानसरोवर झील, कांडला झील झालावाड़ में, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और देखो पन्ना साहा तालाब कहाँ पर है, तो ये खेतड़ी झुंझुनू में है। निर्माणकर्ता कौन थे इसके, तो सेठ पन्ना लाल, यानी कि पन्ना लाल के नाम से ही पन्ना साहा तालाब कहाँ पर, खेतड़ी झुंझुनू में। निर्माण कब करवाया था, तो 1870 में निर्माण करवाया था, ठीक है। खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह द्वारा विवेकानंद जी इस तालाब के किनारे बने निवास स्थान में ठहराया गया था। खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह द्वारा विवेकानंद जी इस तालाब के किनारे बने निवास स्थान में ठहराया गया, ठीक है, याद रखना। और देखो झीलों का महत्व है, सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध एवं पर्यटन को आकर्षित करती है और पेयजल सिंचाई एवं अकाल राहत के लिए बनाई गई। मत्स्य पालन के लिए जलीय जीवों को संरक्षण प्रदान करती है, सर्वाधिक जयसमंद झील, ठीक है। झीलों में जलीय वनस्पति एवं जलीय विविधता का विकास होता है और सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व की दोस्तों यहाँ पे जानकारी भी मिलती है और उद्भव भी होता है, ठीक है। तो ये महत्व है झीलों के, ठीक है। तो दोस्तों ये आज अपने झीलों का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने अभी तक आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो सबसे पहले इस बटन को दबाएं और फिर उसके बाद में बेल आइकन के बटन को दबाएं और फिर लाइक के बटन को और फिर शेयर के बटन को दबा के नीचे आपको शेयर का बटन दिख जाएगा जहाँ पे बाकी ये सब बटन दिखेंगे, ठीक है। वहाँ से शेयर के बटन पे जाके और सीधा का सीधा फेसबुक या व्हाट्सएप पे जाओ और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।